ओम शांति। वो मनुष्य जिसका मन दूसरों के लिए शुभ भावनाओं और शुभ कामनाओं से भरा हुआ है, ये किसी मनुष्य के सच्चे योगी होने की पहचान है। जो दूसरों का कल्याण चाहते हों, जो दूसरों को आगे बढ़ाना चाहते हों, जो दूसरों की कमियों को भरवा देना जानते हों, वही सच्चे ज्ञानी भी हैं। तो चेक करेंगे आज स्वयं को, क्या हमारा चित्त शुभ कामनाओं से, शुभ भावनाओं से भरा हुआ है, या अपनों के लिए तो हम शुभ कामना रखते हैं लेकिन दूसरों के लिए बुरी कामनाएं रखते हैं, बुरे संकल्प रखते हैं। अब संसार में चारों ओर घूम कर देखो, मनुष्य ने अपनी भावनाओं को आज बहुत बिगाड़ा है, इतना पहले कभी नहीं बिगाड़ा था। इससे क्या होता है, मान लो मेरे मन में दूसरों के लिए गलत कामनाएं, गलत भावनाएं हैं, शुभ नहीं है, तो मुझसे निकलने वाले निगेटिव वाइब्रेशंस, निगेटिव एनर्जी उस व्यक्ति को जाती रहती है, दूरी बढ़ती जाएगी संबंधों में। संबंधों में चेक करें, कहीं हमने अपनी भावनाओं को बहुत तो नहीं बिगाड़ दिया है? और यदि हमने अपनी भावनाओं को बहुत बिगाड़ लिया है तो उसका कष्ट सबसे पहले हमें होगा, क्योंकि व्यर्थ संकल्प बहुत चलेंगे। मन की शांति, खुशी, प्रेम, सद्व्यवहार सब नष्ट होता जाएगा। जैसी भावना रहती है वैसा ही तो व्यवहार होता है। बाबा एक चीज और बोलते हैं मुरलियों में, आत्मिक भाव और शुभ भावनाएं, दोनों का बहुत गहरा कनेक्शन है, और ये दोनों ही हमारी स्पिरिचुअलिटी को बहुत आगे बढ़ाने वाली हैं। आत्मिक भाव, सब आत्माएं हैं संसार में, इसको वृत्ति भी कहते हैं, एटीट्यूड इंग्लिश में बोलते हैं, इंस्टिंक्ट बोलते हैं। हमारी सब के लिए ये दृष्टि और ये फीलिंग हो जाए कि संसार में हर प्राणी आत्मा है, प्राण आत्मा को ही कहा जाता है, प्राण से प्राणी बनाए, जीव जंतुओं में भी आत्मा है, आप सबने देखा है। जीव जंतु हमारी भावनाओं को, हमारे प्यार को कितना जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, कुत्ते बिल्ली के उदाहरण तो बहुत हैं घरों में। कुत्ता कितना प्यार करता है, छोटा बच्चा भी अपने मालिक को, अपनी मालकिन को आगे पीछे ही रहता है, सेफ्टी रखता है। बिल्ली और कुत्ते भी हमने साथ साथ देखे, दुश्मनी है दोनों की लेकिन घरों में साथ रहते हैं। हमारी शुभ भावनाएं प्रकृति के लिए भी हो कि प्रकृति अब पावन बन जाए, प्रकृति अब सुखदायी हो जाए, प्रकृति में अब कोई प्रकोप ना हो, प्रकृति के सभी सीजन भी मनुष्य को सुख देने वाले हो जाएं, प्रकृति में समय पर बरसात हो, थोड़ी गर्मी हो, थोड़ी ठंड हो, ये हमारी शुभ भावनाएं प्रकृति को भी पहुंचती हैं, क्योंकि मनुष्य प्रकृति से तो बहुत गहराई से जुड़ा है, शरीर ही प्रकृति से मिला है, हवा निरंतर प्रकृति से मिल रही है, जल प्रकृति की देन है, अन्न, सब कपड़े सब प्रकृति से मिल रहे हैं, तो प्रकृति से हम गहराई से जुड़े होते हैं। प्रकृति के प्रति हम आभार भी व्यक्त किया करें, धन्यवाद दिया करें इसको, तो जितना हम इसको धन्यवाद देंगे प्रकृति की तरफ से उतना ही ज़्यादा सुख हम पर बरसने लगेगा। प्रकृति में पोल्यूशन हो गया है, मनुष्य ने कर दिया है, प्रकृति में इम्प्योरिटी भर दी है मनुष्य ने, ये तो मनुष्य वैज्ञानिक जानते ही नहीं है कि मनुष्य के जैसे संस्कार हैं, जैसे विचार हैं, जैसे कर्म हैं, उस तरह के वाइब्रेशंस प्रकृति में जाते रहते हैं। और मनुष्य आज जितना कामुक है, सेक्सुअल है, उतना पहले कभी नहीं था। तो प्रकृति में ये इम्प्योर एनर्जी जा रही है, इसका परिणाम अब हम देखेंगे, प्रकृति में भारी विस्फोट होगा, और विस्फोट और कुछ आत्माओं के प्योर वाइब्रेशंस प्रकृति को पुनः इसकी मूल स्थिति पर ले जाएंगे।
ये बहुत बड़ा रहस्य है जो अगले 10 सालों में हम घटित होता हुआ इस सृष्टि पर देखेंगे। तो हमारा मन दूसरों के लिए शुभ भावनाएं और सच्चे प्रेम से भरा हुआ हो, हम बड़े हैं। स्वमान में आ जाएं आप सभी, हम इस सृष्टि के बड़े हैं, पूर्वज हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, इस सृष्टि के आधार मूर्त हैं, सभी के दुख हरने वाले हैं, इस संसार में शांति की स्थापना करने वाले हैं, प्योर वाइब्रेशंस फैलाने वाले हैं। अपने इन स्वमानों को स्मृति में लाओ, इनमें स्थित हो जाएं हम सभी, तो जो बाप समान हो, जो विश्व कल्याणकारी हो, उनका चित्त तो दूसरों के लिए शुभ भावनाओं से भरा होना ही चाहिए। अगर महान आत्माओं के मन में शुभ भावनाएं नहीं होंगी तो पापियों के मन में थोड़ा ही होंगी। हम अपनी शुभ भावनाओं से शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं, किसी के बुरे संस्कारों को भी बदल सकते हैं। एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर अनुभव सुनाया 2 दिन पहले ही। वो वकील हैं, बड़े हाई कोर्ट के हैं, प्रसिद्ध हैं। कोई प्रोफेशनल डाकू केस लेकर आ गया। इसने उसको प्यार से 5-7 मिनट समझाया और कहा, ये धंधा छोड़ दो अभी। कहानी तो आगे की भी है, लेकिन इसके कहने से उसने वो धंधा छोड़ ही दिया। तो देखिए, हमारी शुभ भावनाओं में, हमारे आत्मिक भाव में बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये हमसे चारों ओर फैलते हैं, हमारे चारों ओर आ ही बहुत सुखदायी बन जाता है। बाबा ने तो कितने सुंदर शब्द कहे, तुम्हारी शुभ भावनाएं दूसरों के लिए छत्र छाया का काम करती हैं। हम अपने को चेक कर लें, निगेटिव भाव तो मन में पैदा नहीं हो गए, ये व्यक्ति बहुत बुरा है, ये व्यक्ति बहुत खतरनाक है, इसमें धोखे देने के संस्कार हैं, इसमें चोरी का संस्कार है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये बड़ा क्रोध करता है। कईयों का तो ऐसा हाल हो गया है, बोलते हैं लोग अपने मुख से कि संसार में कोई भी आदमी अच्छा नहीं रहा। हम तो कहा करते हैं, तुम अच्छे बन जाओ, अपने पे तो अधिकार है ना। ऐसा नहीं है कि संसार में कोई भी अच्छा नहीं है। अगर अच्छे लोग ना होते तो ये संसार एग्जिस्ट करता ही नहीं, ये रहता ही नहीं, इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता। हम अपनी दृष्टि को बदल दें, अपनी भावनाओं को बदल दें और संकल्प किया करें रोज एक बार बहुत अच्छी तरह से, सब भगवान के बच्चे हैं, सभी बहुत अच्छे हैं, सभी में गुण हैं, सभी में कुछ ना कुछ पुण्य कर्मों का खाता भी है, थोड़ी ही सही प्योरिटी भी है। हम ये दृष्टि सबके लिए अपना लें तो हमारे वाइब्रेशंस उनसे टकरा के वापस हमारे पास आएंगे, हमें बहुत सुख देंगे। तो चेक करेंगे, हमने अपनी भावनाओं को इतना तो नहीं बिगाड़ लिया है कि कोई भी अच्छा नहीं लगता, पड़ोसी भी खराब, नेता भी खराब, बिजनेस वाले भी खराब, न्यायालयों में भी खराब काम हो रहा, हमने ऐसा तो नहीं सोच लिया? नहीं, सब ये खेल चल रहा है। कलयुग के एंड में हम पहुंच गए हैं, जो कुछ हो रहा है वो भी बहुत अच्छा है। हम संकल्प करें, हमें सबको शुभ भावनाएं देनी है, हमें शुभ कामना रखनी है, सबका प्रभु मिलन हो जाए, सब ईश्वरीय ज्ञान ले लें, सभी के अंदर छुपा हुआ देवत्व जागृत हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सब निरोग हो जाए। ये हमारी भक्ति में भी तो कहा जाता है ना, सब ये शुभकामनाएँ हैं संसार के लिए। आओ हम महान आत्माओं की, पूज्य आत्माओं की शुभ भावनाओं की तरंगे संसार को सुख दें, सभी को शांत करें, संबंधों में प्रेम, श्रेष्ठ भावनाएं, अपनापन लाएं। ओम शांति।